हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस वीडियो में, जहाँ हम आज बात करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। तो क्या होता है वोल्टेज रेगुलेटर, क्या काम होता है वोल्टेज रेगुलेटर का, और कितने टाइप्स के वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं, इन सबको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा सर्किट, ऐसा एक डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली हमारे वोल्टेज को मेंटेन करता है एक स्टेबल स्टेट पर और एक स्टेडी स्टेट आउटपुट देता है। तो इसके जो टाइप्स हैं वो हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एसी वोल्टेज रेगुलेटर हो सकता है और दूसरा हमारा डीसी वोल्टेज रेगुलेटर हो सकता है। वोल्टेज रेगुलेटर का एप्लीकेशन क्या होता है कि वो हमें हमेशा एक स्टेबल आउटपुट और एक फिक्स आउटपुट प्रोवाइड करता है। कुछ एप्लीकेशंस में हमें स्टडी आउटपुट और एकदम फिक्स वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हमें वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत होगी। जो एसी वोल्टेज रेगुलेटर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा फैन रेगुलेटर होता है, हीटर के लिए हम यूज़ करते हैं, हमारी मोटर जो होती है उसकी स्पीड कंट्रोलिंग के लिए हम लोग रेगुलेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ईजिली उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वहाँ हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह बहुत सारे एसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे पास 7.8 XS और 7.9 XS इस तरह के दो रेगुलेटर्स होते हैं। इसी तरह हमारे वेरिएबल रेगुलेटर होते हैं और स्विचिंग रेगुलेटर्स भी होते हैं। तो ये सब हमारे डीसी वोल्टेज के रेगुलेटर होते हैं। तो डीसी वोल्टेज के जो रेगुलेटर्स हैं उनको डिफाइन करें और इसके अंदर जाते हैं तो हमको देखने को मिलते हैं दो टाइप के रेगुलेटर। एक लीनियर टाइप का रेगुलेटर होता है और दूसरा हमारा स्विचिंग रेगुलेटर होता है। लीनियर रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ, जो हमें आउटपुट वोल्टेज फिक्स वोल्टेज देता है और उसमें किसी प्रकार की स्विचिंग का यूज़ नहीं करते, वह हमें फिक्स आउटपुट वोल्टेज देता है हमारे फीडबैक के ऊपर और वोल्टेज और रेजिस्टर के ऊपर से। लीनियर रेगुलेटर का सिंपल एग्जांपल दूँ तो वोल्टेज डिवाइडर भी हमारा एक लीनियर रेगुलेटर होता है। रेजिस्टर के थ्रू हम उनके वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, जबकि स्विचिंग रेगुलेटर्स के अंदर हम स्विचिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, स्विचिंग आईसीज का यूज़ करते हैं, जिससे हमें स्विचिंग आउटपुट मिलता है। लीनियर रेगुलेटर के अंदर हम देखें तो यहाँ हमें वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर सकते, यहाँ हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं और वोल्टेज को कम कर सकते हैं, जबकि स्विचिंग रेगुलेटर के थ्रू हम हमारे वोल्टेज को बढ़ा और घटा दोनों तरह से हम आउटपुट को ले सकते हैं। लीनियर रेगुलेटर को हम लोग फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है, एक शंट और सीरीज, और इसी के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, जिसका एग्जांपल पॉजिटिव के लिए हमारे पास 7.8 XS और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हमारे पास 7.9 XX होते हैं। लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर होता है सीरीज और शंट। इसके अलावा इसके अंदर हम बात करें तो फिक्स टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर भी होते हैं और वेरिएबल टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। स्विचिंग रेगुलेटर की बात करें तो हमारे पास स्विचिंग रेगुलेटर के दो मुख्य इसके पार्ट होते हैं, बक और बूस्ट। इसके बाद में इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के रेगुलेटर्स इंक्लूड होते हैं जो बक और बूस्ट के ऊपर बेस होते हैं। बक और बूस्ट यह एक कन्वर्टर होता है जो रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। लीनियर रेगुलेटर की आईसीज होती है जो हमें फिक्स आउटपुट वोल्टेज देती है। लीनियर रेगुलेटर आईसी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसा डिवाइस, एक सर्किट होता है जो हमें फिक्स वोल्टेज आउटपुट देता है। लीनियर रेगुलेटर आईसी के अंदर एक रेजिस्टर होता है जो वेरिएबल हमेशा वेरी करता है और हमें एक स्टडी आउटपुट, एक फिक्स आउटपुट वोल्टेज देता है। ये वेरिएबल रेजिस्टर इनपुट के वोल्टेज और आउटपुट के लोड के आधार पर वेरी होकर हमें एक आउटपुट, फिक्स वोल्टेज आउटपुट में देता है। ये लीनियर रेगुलेटर हमारे इन दोनों के फीडबैक के फॉर्म पर, यानी इन दोनों के फीडबैक को लेता है और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। और इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन करते समय जो वोल्टेज ड्रॉप आउट होते हैं उसे हीट के फॉर्म में या आउटपुट में देता है। इसीलिए हम बहुत सारे रेगुलेटर्स आईसी के अंदर देखते हैं कि वहाँ हमें हीट सिंक का यूज़ करना पड़ता है, जो हमेशा इसे ठंडा रखने का काम करता है। लीनियर रेगुलेटर आईसी की जो एग्जांपल्स है देखें तो हमारे पास 7.8 XS है, 7.9 XS है, ये सब हमें फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। यदि हमें वेरिएबल वोल्टेज की ज़रूरत हो तो हम LM317 जैसी आईसी को यूज़ करके हम वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हैं, जिसमें हम एडजस्ट वोल्टेज के लिए यहाँ हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर, स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर हमारे पास मुख्य रूप से स्विचिंग, यानी स्विचिंग के लिए हमारे पास डिवाइस होता है, स्विचिंग के लिए हमारे आईसी होती है, इंडक्टर होता है,
और कैपेसिटर और डायोड होता है जो हमें हमेशा आउटपुट वोल्टेज को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये एक तरह का एक सर्किट होता है जिसके अंदर आईसी हमेशा हमारे पावर स्विच को कंटिन्यूसली स्विच ऑन या ऑफ करती रहती है। इससे हम हमारे आउटपुट वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के लिए हमारे जो स्विचिंग रेगुलेटर्स होते हैं, इनका काम हमारे वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है। आप अपने सर्किट के अंदर 2 एम्पियर या 3 एम्पियर की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो और आपको स्टेप डाउन वोल्टेज करना है, तो वहाँ आप डायरेक्ट लीनियर रेगुलेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर से अधिक है, तो वहाँ आपका जो लीनियर रेगुलेटर है वो इतना काम नहीं करेगा। तो यहाँ हम हमारे स्विचिंग रेगुलेटर्स का यूज़ करते हैं जो हमारे रेगुलेटर की इफ़िशेंसी को बढ़ाता है और हमारे जो लॉसेस होते हैं पावर के वो भी कम करता है। इसके लिए हम स्विचिंग रेगुलेटर्स को प्रिफर करते हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन हमारे स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू हमारे लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर से, पर हमारे वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम हमारे वोल्टेज रेगुलेटर को सेलेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो था वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया है वोल्टेज रेगुलेटर के टाइप्स कितने हैं। इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।